उत्तराखंड के उधम सिंह नगर किच्छा में पति ने पत्नी की बेवफाई के शक में पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मामला उधम सिंह नगर के किच्छा का है, जहां बेटे के साथ 8 माह के मायके में रह रही पत्नी को युवक ने चाकू से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ससुरालियों ने दामाद की जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल महिला को CHC के हल्द्वानी रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति को पत्नी के चरित्र पर शक था। देर शाम को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फरजाना 22 वर्ष पुत्री मोहम्मद सद्दीक निवासी ग्राम गोकुल नगर किच्छा का निकाह 4 वर्ष पहले रिजवान अली पुत्र शराफत अली निवासी गैस एजेंसी रोड किच्छा के साथ हुआ था। फरजाना और रिजवान के बीच किसी कारण विवाद चल रहा था। इसके चलते फरजाना पिछले 8 महीने से अपने मायके में रह रही थी। सोमवार को रिजवान अपनी ससुराल गोकुल नगर फरजाना से मिलने गया था। फरजाना अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। दोपहर करीब 1 बजे रिजवान ने मौका पाकर फरजाना के गले, पेट व पीठ पर चाकू से वार कर दिया। इससे फरजाना लहूलुहान होकर गिर पड़ी। शोर शराबा होने पर परिजन व पड़ोसी मौके पर आ गए। उन्होंने रिजवान को पकड़ लिया। फरजाना को गंभीर हालत में परिजन CHC ले गए, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। पे थी जो कि मेरी बाहर दुकान है, मैं दुकान की मैं थी, साफ सफाई कर रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे आवाज़ आ रही है चीखने चिल्लाने की। तो मैं जब आई तो मैंने देखा कि जो इनकी बड़ी सिस्टर है वो बहुत रो रही थी। मैंने कि क्या हुआ, तो बोले कि कमरे में इसने उसे वो मार पीट कर रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब खिड़की से झाँक के देखा तो वो उसके ऊपर बैठा पड़ा था, फरजाना के ऊपर बैठा पड़ा था और गला दबा रहा था। उस वक्त तो चाकू नहीं दिखा कि वो वाकई में उसके हाथ में क्या है नहीं है। उसके बाद फिर जब धक्का मारने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से लॉक था, वो दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने काफ़ी लात मारने की भी कोशिश की दरवाज़ा, लेकिन फिर भी नहीं वो खुला। तब बाहर से एक लड़का आया, फिर उसने दरवाज़ा लात मार के तोड़ा। फिर जब हमने देखा कि वो चाकू लेके उसके ऊपर चढ़ा पड़ा है और उसका गर्दन तो काट दिया था उसने, और कई कई मतलब पेट में भी चाकू ऐसे मारे थे और बैक में भी चाकू मारा था। इतनी इतनी बुरी तरह से चाकू मारा था कि उसका जो था मांस बाहर आ गया था। इतनी बुरी तरीके से चाकू मारा था उसने। उसके बाद फिर हम उससे कह रहे हैं छोड़ दो, तो वो हमारे ऊपर चाकू लेके दौड़ रहा है, कह रहा है कि जो आगे आएगा उसे भी चाकू से मारूंगा। फिर इतनी देर में उनका जो भाई है वो आके उसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसे बीच बचाव में फिर सबने मिलके उसका चाकू छीना। और फिर लड़की को देखा, लड़की बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। फिर वो एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, पुलिस को फ़ोन लगाया, उसके बाद जैसे तैसे बाइक में लड़की को उठा के फिर किच्छा सरकारी अस्पताल लेकर गए। एम्बुलेंस नहीं, ये आज दिन में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि पीको जो तोक है गोकुल नगर गांव का, उसमें फरजाना नाम की जो महिला रहती थी उसके पति द्वारा, जिसका नाम रिजवान अली है, उसने उसको चाकू मारकर घायल कर दिया है। उस सूचना पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। देर शाम हमें पता चला कि उस महिला की उन चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। रिजवान अभी मौके से फरार था, तो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। और चूंकि घायल महिला की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उस मुकदमे में धारा 302 की बढ़ोतरी करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि दूसरों को भी उन्होंने कहीं चाकू से हमला किया था, सर उसको क्या? हाँ, हमें ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि कल रात इस रिजवान अली के द्वारा ही एक अरबाज नाम का लड़का था, उसके साथ इसका झगड़ा किसी बात पे हो गया था, तो वो झगड़े के दौरान इसने उसको भी चाकू मारा है। उसका इलाज भी सुश्रा तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में चल रहा है। उसकी तहरीर पर भी हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे बख्शा नहीं जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।